प्रतिबंध है तो आया कहाँ से? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी, लेकिन होम डिलीवरी है। आप लोगों को सिगरेट पी के परीक्षा देता है, पढ़ाई होता है कि दारू बिकता है आधा, इसमें बैठ के लोग स्माइकर लोग दारू सब है, इसमें सब अलाउ है, इसमें पढ़ाई नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। अभी मैं मौजूद हूँ, आप सभी को बता दूँ कि रक्सौल की धरोहर कहे जाने वाले हजारीमल प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसे कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है हजारीमल प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय। और इसकी स्थापना आपको बता दें कि 1933 में हुई है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये जो रक्सौल की धरोहर कहे जाने वाली स्कूल, ये आजादी से पहले की बनी हुई स्कूल है। आपको बताते चलें, 1933 की बनी हुई स्कूल है। और इसका सुंदरीकरण क्या बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है क्या? यहाँ फंड नहीं आते हैं क्या? सुंदरीकरण के लिए पैसे नहीं आते हैं? आपको अंदर की कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर क्या क्या दिखता है। कैमरे के माध्यम से लगातार आप बने रहिए और कैमरा से प्रयास करेंगे कि अंदर आते चले और बताते चले कि इसमें शायद इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल हो रहा है। किस चीज का भाई फॉर्म लेके चल रहे हो? ये आर्ट्स का है, एडमिट कार्ड। क्या है? आर्ट्स का एडमिट कार्ड। क्या अभी क्या करना है इसमें? प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपको एग्जामिनेशन। नहीं नहीं, अभी आप लोग यहाँ पे स्टैंप लगवाने हैं। जैसे कि आप सभी को बता दूँ, किस चीज का एडमिट कार्ड? अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी कहाँ मौजूद हैं? नहीं नहीं, अभी कभी कौन सा स्कूल है? अच्छा, बिहार सरकार पैसा देता है होगा कि नहीं देता होगा इसकी सुंदरीकरण? एकदम क्यों नहीं देता होगा, देता ही होगा। कितना बढ़िया स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, हम तो 10th भी यहीं से, 12th भी यहीं से करते हैं। तो एक बात बताइए, कब छतवट गिर जाएगा? गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, जंजर पड़ा हुआ है। हाँ, जंजर पड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या क्या जनता के सामने बोल रहे हैं सर? अच्छा, एक बात बताइए हमें, देखिए ये बहुत बड़ा विषय है सर। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है, ये रक्सौल की धरोहर कहे जाने वाले हजारीमल उच्च प्लस टू माध्यमिक विद्यालय में हम लोग मौजूद हैं। अभी आपको बताते चलिए, ये रक्सौल की धरोहर है। ठीक है सर, और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसका फंडिंग आता है? ठीक है, हर एक स्कूल का सुंदरीकरण का फंडिंग आता है और सुंदरीकरण दिखाते हैं। और रक्सौल, ये इसमें पढ़ाई होता है कि क्या होता है, हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे और यहाँ की कक्षा भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको बताते चले, ये नशेड़ियों का अड्डा है। आपको अभी जस्ट ग्राउंड रिपोर्ट के तरफ से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हाँ, नशेड़ियों का अड्डा कहाँ है। चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट है कि सच्चाई दिखाए और सच्चाई दिखाने का प्रयास हम हमेशा निरंतर करते रहेंगे। आइए, क्या नाम है? ये देखिए, ये कल है। ठीक है, हांडिलोवा नहीं है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, हम बिहार के वासी हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसे इधर उधर होता है, लेकिन आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि घर घर हर हर घर नल जल योजना। ठीक है, लेकिन इसमें हांडिल कल है, हांडिल नहीं है, तो नल कहाँ, जल कहाँ से निकलेगा? नल जल योजना है ये कल है। और देखिए, ये इसका ये शौचालय है। ठीक है, शौचालय डॉक्टर अजय कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। ठीक, और आपको शौचालय दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, और नहीं नहीं नहीं, और एक और चीज ये देखिए, ये जो है ये कोविड वेल करके, हाँ हाँ, ये प्रतिबंधित खांसी की दवाई है। कैमरा में से प्रयास करेंगे, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये कोडी वील है, ये कोडी वील है, जो कि आप देख सकते हैं ये प्रतिबंधित दवाई है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये हजारीमला हाई स्कूल में आया तो आया कहाँ से? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और इसमें पढ़ाई होता है या नशा होता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आपको दिखाते चले, यहाँ पे ये देखिए, ये हम आपको कहीं और का दृश्य नहीं दिखा रहे हैं, कहीं कहीं शराबियों का अड्डा नहीं दिखा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, ये हम आपको स्कूल शिक्षा जहाँ पे शिक्षा प्रदान मिलती है, जहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वो जगह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। ये देखिए क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है ये? आपको बताते चले, ये विदेशी शराब है। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए, भाई साहब थोड़ा, अरे इधर इधर है, इधर है,
अच्छा ये क्या है? अभी हम लोग कहाँ मौजूद है? कौन से स्कूल है ये? हजारीमल हाई स्कूल है। तो ये इसमें लड़का सब पढ़ने कम दारू ज्यादा है? आपको बताते चले कि आपको पहले परीक्षा के वेला सर स्कूल है। ये देखिए यहाँ के ये छात्र हैं। आप यहाँ के छात्र हैं? नहीं सर छात्र नहीं है, छात्र थे। आप तो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, ठीक है। आपको बताते चले, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये काफी बदबू आ रही है, काफी बदबू आ रही है, लेकिन कैमरा मैन से प्रयास करेंगे यहाँ दिखाएं। ये देखिए ये कितना स्वच्छ है। ये हमारे अजय कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ शौचालय है और ये हजारीमल हाई स्कूल का शौचालय है ये। और देखिए ये भी शौचालय है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमको क्या दिखा। कैमरा मैन से प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाए। एक और गोल्डन ओके, गोल्डन ओके सॉरी, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि शराब बिहार में शराबबंदी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब नहीं मिलता है और शराबियों से हमदर्दी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हजारीमल हाई स्कूल में पढ़ाई होता है कि शराबियों नशा होता है, ठीक है। आपको शराब दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और एक और चीज, ये देखिए क्या देखने को मिल रहा है। ये हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल है जहाँ पे यहाँ पे नशीलियों का अड्डा है, यहाँ पे बैठ के गांजा पीने वाले का अड्डा है। ये देखिए आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए ये विदेशी शराब है। कैमरामैन सर अपने, मेरा हाथ भी गंदा हो रहा है, इसको छू रहे हैं, लेकिन क्या करें, आप सभी तक आवाज पहुंचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है और निरंतर इस चीज की प्रयास करते रहेंगे और आपको पहुंचाते रहेंगे। अब जितनी भी अगर आपकी आवाज दबाई जा रही होगी तो हमारे तक पहुंचिएगा। और आपको हम ये रिपोर्ट हजारीमल हाई स्कूल से दे रहे हैं। ये देखिए ये भी विदेशी शराब है। आखिर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। और ये देखिए इधर आइए, इधर आइए, इधर ये हजारीमल प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और ये देखिए ये सुंदरीकरण है, ठीक है। अब अभी इसके अंदर जाने का प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन ये कभी भी गिर सकता है, दब सकते हैं हम लोग। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिगरेट है। ये शायद, ये आपको बताते थे कैमरामैन प्रयास करिए क्या है, ये नशे की टैबलेट है। इस पे लिखा हुआ है नाइट्रा वेट -10 mg। अब ये किस चीज में उपयोग आता है आप लोग सर्च कर सकते हैं। और ये प्रतिबंध है जब ये देखिए ये एक दो तीन 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 जगह तीन बैठने की अड्डाएं बनाई हुई है। और ये स्कूल है। ये देखिए ये क्या है, कैमरा मैन से प्रयास करेंगे ये थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये क्या है, ये गांजा पिया हुआ चीज है। ये देखिए कैमरा मैन से प्रयास करेंगे, लगातार दिखाएं। ये हजारीमल हाई स्कूल है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसमें पढ़ाई होता है कि ये नशेड़ियों का अड्डा है। ये शिक्षण प्रतिष्ठान है कि नशेड़ियों का अड्डा है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हम लोग अभी शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं। ये यहाँ से लड़के IAS UPSC जैसे बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। हमारा बिहार में आप सभी को पता है कि 80% IAS UPSC क्लियर करके IAS बनते हैं। और ये बताइए वैसे जगह पे शिक्षा के मंदिर में सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि ये शराब की बोतलें आई तो आई कहाँ से, ये जो कि प्रतिबंधित चीज़ें हैं, जो कि प्रतिबंधित आइटम्स है वो यहाँ आया तो आया कैसे, प्रश्न ये है। और ये हमारा प्रयास कैसा लगा, ये आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि ये आवाज़ हमारे माननीय CM महोदय नीतीश कुमार तक पहुँचे कि बिहार में शराबबंदी से कोई फायदा नहीं हो रहा है।